ईपीएफओ स्टेनोग्राफर में प्रमोशन किस तरीके से होता है, यहाँ मैं पूरी चीज़ें जो भी हैं फैक्ट के साथ बताऊंगा। आप सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि लगभग कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कई अलग अलग जॉब में हैं और जिनको लग रहा है कि मैं इस फॉर्म को भर के उन पोस्टिंग पा सकता हूँ, तो उनको ये भी चीज़ जान लेनी चाहिए कि अभी जिस आपका करंट जो अभी जॉब में आप हो, ठीक है, उसमें क्या प्रमोशन का क्राइटेरिया है, कितना अच्छा है वो आपको पता ही होगा, लेकिन इसमें क्या है ये भी कहने की जानना इम्पॉर्टेंट है। जो भी फ्रेशर्स हैं वो भी जान लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जान के आप डिसाइड कर पाओगे कि भाई मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है, जैसे बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी मौका मिल सके, बाकी सभी स्टूडेंट भी ध्यान से देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी चीज़ की जेन्युइन जानकारी, ठीक है। देखो ये प्रमोशन का जो पीडीएफ है मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो @सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे पूरा आपने देखा होगा, लिखा होगा 18 से 24, 8 साल 10 साल, ऐसे ही पूरा आपने देखा होगा। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि स्टेनोग्राफर में आपके सिर्फ आपके जो प्रमोशन होते हैं वो आपके 2 प्रमोशन होते हैं, उसके बाद फिर जो रहता है वो इन्होंने बिल्कुल हटा दिया है। मतलब 4600 ग्रेड पे के बाद स्टेनोग्राफर का कोई प्रमोशन नहीं है। और ये जो चीज़ है ये अभी रिसेंट जो इनका आरआर आया हुआ था रिक्रूटमेंट रूल, जिसमें सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो लेवल था वो आपका 2800 ग्रेड पे कर दिया गया था, उसी में इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर करके बताया हुआ है, इवन LDC से UDC से असिस्टेंट सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर से ऊपर 2 प्रमोशन कौन कौन से होते हैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो आप स्टेनोग्राफर आप बनते हो, ठीक है, वो आपका रहता है 2400 ग्रेड पे वाला, ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो है होता है आपका 4200 ग्रेड पे, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है, जब आरआर आपका आया हुआ तो उस टाइम पे भी डिसाइड किया गया था कि भाई इस कार्डर में टोटल कितनी वैकेंसी होनी चाहिए। आप सभी ने देखा होगा कि अभी तक ईपीएफओ में कोई भी स्टेनो की वैकेंसी नहीं आई है, असिस्टेंट और आपका SSC की वैकेंसी आई है, UPSC के थ्रू आपका EO APFC की वैकेंसी है, लेकिन अभी तक स्टेनो की कोई भी वैकेंसी नहीं आई। तो ये स्टेनो की जो वैकेंसी है 185 आपकी वैकेंसी निकली है, और इतना ही आपका जो 187 इन्होंने आरआर में दिया हुआ कि 187 इस पर्टिकुलर पोस्ट में टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो 185 का रिक्रूटमेंट आपका आ गया। अब होगा क्या कि इन्होंने ये डिसाइड किया है कि जैसे ही आप 5 ईयर्स अपने कंप्लीट करोगे 2400 ग्रेड पे पे, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, ये आप अगर देखोगे इसमें पूरा आपको मेंशन है, ठीक है, PDF मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, पिन किया हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, साइंस ध्यान से सुनिएगा कि ऑन कंप्लीशन ऑफ रेगुलर सर्विस ऑफ 5 ईयर्स इन द ग्रेड 30% ऑफ स्टेनोग्राफर विल बी प्लेस्ड इन लेवल 6 इन द पे मैट्रिक्स 35400 फिर 1,12,400 प्री रिवाइज्ड पे बैंड 2, मतलब 4200 ग्रेड पे आपका जो है वो आपका है। मतलब जैसे ही 5 ईयर्स आप कंप्लीट करोगे सीनियरिटी वाइज उनमें से 30% जो है वो आपके प्रमोट कर दिए जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर जैसे ही आपका फिर दोबारा से जिनके कंप्लीट हो चुके होंगे फिर दोबारा से उनके जो प्रमोशन है 4200 पे कर दिए जाएंगे, फिर जो पोस्ट वैकेंट होगी उस हिसाब से फिर दोबारा से रिक्रूटमेंट जो है वो आपके करे जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये तो हो गई आपके 4200 पे ग्रेड की, फिर 4200 पे ग्रेड में जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है 4600 पे ग्रेड का। अब 4600 पे ग्रेड में इन्होंने वैकेंसी जो है वो इन्होंने ज़्यादा करी हुई है, क्योंकि वहाँ पे जो वर्कलोड रहता है ज़्यादा रहता है, और उसके बाद इन्होंने ख़त्म ही कर दिया। तो पर्सनल असिस्टेंट जो होता है, जिसको पर्सनल असिस्टेंट हम कहते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि हर जितने भी बड़े ऑफिसर्स होते हैं EPFO में नीचे से लेकर ऊपर तक, हर जगह पर पर्सनल असिस्टेंट ही आपका होता है, बाकी जगह पर आपका सीनियर PS होते हैं, PS होते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ आपका पर्सनल असिस्टेंट ही होता है। अब पर्सनल असिस्टेंट में जब आप देखोगे तो साफ लिखा हुआ है कि ये जो है इसमें टोटल 434 नंबर ऑफ पोस्ट है जो आपकी रखी गई है, और लेवल 7 का ये जो आपका पे स्केल रहने वाला है, और इसमें लिखा हुआ है कि अब यहां पे SSC वाले ध्यान से सुने कि यहां पे आप देखोगे हर किसी भी पोस्ट के बारे में लिखा होता है कि इसका रिक्रूटमेंट या प्रमोशन किस तरीके से होता है, 50% by direct recruitment through staff selection commission of any other agency as approved by central board employee provident fund and 50% by promotion। तो यहाँ का जो 50% वैकेंसी है 434 में अगर मैं देखूँ 217 वैकेंसी जो है वो आपकी भरी जाएंगी प्रमोशन के थ्रू, जो कि 4200 ग्रेड पे से आपके प्रमोट होंगे आपके 4600 ग्रेड पे में। और अगर हम बात करें कि भाई कितना टाइम लगता है, तो साफ लिखा हुआ है बाय प्रमोशन फ्रॉम द एमंगस्ट स्टेनोग्राफर
हु हैव बीन प्लेस्ड इन लेवल 6 मतलब 4200 ग्रेड पे एंड हैविंग पुट इन 5 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन लेवल 6 पे मैट्रिक्स, मतलब जिन्होंने 5 साल 4200 पे ग्रेड में कंप्लीट कर लिए हैं उनका प्रमोशन जो है वो आपका एज ए पर्सनल असिस्टेंट वैकेंसी जैसे ही आपके रहते हैं उसी हिसाब से हो जाता है। तो ये पूरा क्राइटेरिया है EPFO में आपका प्रमोशन का। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, तो जैसे ही जो भी आगे अपडेट मिलेगी आपको बताता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन कॉल पे कर लो। कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ।